नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए तीसरे अपडेट तक 228 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 2394 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो जमुई में 1, लखीसराय में 2, पटना में 10, बेगूसराय में 5, नवादा में 9, औरंगाबाद में 14, मधुबनी में 18, खगड़िया में 12, कटिहार में 13, नालंदा में 2, सुपौल में 15, सिवान में 3, गया में 10, वैशाली में 24, दरभंगा में 9, मधेपुरा में 19, रोहतास में 31, अरवल में 2, बक्सर में 1, भागलपुर में 3, बांका में 6, सीतामढ़ी में 13, वेस्ट चंपारण में 2, सारण में 4 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना सैंपल जांच में आई तेजी। बिहार में कोविड 19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बिहार में सैंपल की जांच की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। राज्य के 7 जांच लैब में जहां सैंपल क्षमता बढ़ाई गई है, वहीं 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनों से जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े के अनुसार अब तक जांच केंद्र में आरटीपीसीआर और सीबीनेट मशीनों से 58,481 सैंपल की जांच की जा चुकी है। वहीं नई मशीन से 424 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साझा की है। कोविड 19 से जान गंवाने वालों को बिहार सरकार देगी 4 लाख रुपए। बिहार में कोविड 19 मरीजों की संख्या को बढ़ता देखकर राज्य सरकार फिलहाल काफी ज्यादा परेशानी में चल रही है। वहीं इस माहौल से निकलने के लिए और अपनी जनता का साथ देने के लिए सरकार हर संभव कोशिश भी कर रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बैठक भी कर रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन मुख्यमंत्री राहत कोष के 89 परिषद की बैठक के दौरान उन्होंने कोविड 19 से संक्रमित जिन भी व्यक्तियों की जान गई है, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने की बिहार की बेटी की हिम्मत की सराहना। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल से हरियाणा से साइकिल चलाकर दरभंगा पहुंची बिहार की बेटी ज्योति की हिम्मत की सराहना की है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ने भी उन्हें सम्मानित करने का फैसला जारी किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने ज्योति को 9वीं कक्षा में नामांकित करवाने साथ ही एक साइकिल भी भेंट देने की घोषणा की है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने बीते दिन दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ज्योति के गाँव भेजी थी और इस टीम ने नामांकन रजिस्टर लेकर के ज्योति का स्कूल में नामांकन करवाया। पटना में ऑड इवन के तर्ज पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत खुलेंगे हर रोज बाजार। पटना में अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत बाजार को खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। हालांकि सरकार ने इन सभी कॉम्प्लेक्स और बाजार को खोलने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान अब ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगे। इसके अलावा बाकी सभी दुकानों को 6 श्रेणियों में बांटकर खुलने के दिन को भी तय कर लिया गया है। दवा, दूध, फल, किराना जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकान रोज खुलेंगी। वहीं सभी दुकान हफ्ते में 3 दिन के लिए खोली जाएंगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने बीती रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। वहीं सोमवार से इस आदेश के प्रभारी होने का ऐलान जारी किया गया है। लीची की मिठास और बढ़ेगी। बीते दिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए तूफान ने इन दोनों राज्यों में भारी बर्बादी की थी, लेकिन बिहार की लीची के लिए यह फायदेमंद साबित हुई है। बिहार में तूफान के प्रभाव के कारण कई क्षेत्र में बारिश हुई है, लेकिन तेज हवा नहीं चली है। वैज्ञानिकों की माने तो यह बारिश लीची फसल के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान के कारण हुई बारिश से न केवल लीची का आकार बड़ा होगा, बल्कि इसकी मिठास भी दोगुनी होगी। वहीं गूदे की मात्रा भी बढ़ेगी तथा इसका रंग भी और ज्यादा लाल होगा। वहीं बारिश के कारण बढ़ रहे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि फसल को काफी लाभ पहुंचने का भी दावा किया गया है। जदयू के कई दिग्गज नेता के कार्यकाल की समय सीमा हुई खत्म। बिहार विधान परिषद के 10 और सीटें बीते दिन खाली हो गई है। वहीं इसी के साथ एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी, शिव प्रसन्न यादव, संजय कुमार सिंह, राम बच्चन राय, ललन कुमार सराफ, रणवीर नंदन, रामलखन राम रमन, विजय कुमार मिश्रा, राणा गंगेश्वर सिंह और रामचंद्र भारती बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हो गए। इसके बाद कोविड 19 की वजह से अब बिहार विधान परिषद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, क्योंकि जदयू के 10 नेता की सीट बीते दिन खाली हो गई है। हालांकि अगले कुछ दिनों में प्रदेश के राज्यपाल 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे तो विधान परिषद में जदयू फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की श्रमिकों से बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्वारंटाइन केंद्रों पर रह रहे प्रवासी मजदूरों से बातचीत की है, साथ ही वहां पर मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली है, जिसके तहत बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, सिवान के क्वारंटाइन सेंटरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवलोकन किया है और साथ ही वहां रह रहे प्रवासियों से संवाद किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जिलों के 20 क्वारंटाइन सेंटरों का अवलोकन भी किया था। BCECEB एडमिशन के लिए DCEC
ई में रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक के दाखिले के फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद अब छात्र 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 मई तय की गई थी, जिसके लिए अब जिन छात्रों ने आवेदन नहीं भरा है वो उम्मीदवार bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन 9 जून तक भर सकते हैं। इसके साथ ही चालान के पेमेंट की आखिरी तारीख 10 जून है, वहीं ऑनलाइन पेमेंट वाले उम्मीदवार 11 जून तक पैसे दे सकते हैं। पटना और गया एयरपोर्ट पर उतरने वालों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन। पटना और गया एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों के लिए राज्य सरकार ने क्वारंटाइन बनाए हैं, जिसके तहत एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों को सीधे घर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिहार में इन्हें 14 दिन के लिए पेड क्वारंटाइन में रहना होगा, इसके बाद ही वह घर के लिए रवाना हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बीते दिन कहा है कि जिन यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण नहीं है उन्हें क्वारंटाइन में भेजे जाने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद अब 25 मई से विमानों के परिचालन के शुरू होने के बाद सभी यात्रियों को सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना होगा। बिहार के मजदूरों ने कहा कि अब बिहार को छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर जिले में लगे क्वारंटाइन सेंटरों का हाल जाना था, वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कई सारे प्रवासियों से बातचीत भी की थी। इस बीच एक मजदूर ने सीएम के सामने गाने की इच्छा रखी और गाने के बाद सीएम भी गाने में सुर से सुर मिलाते दिखे। मजदूर से बातचीत के क्रम में एक मजदूर ने कहा, नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, नून रोटी खाएंगे, बिहार में ही रह जाएंगे। मजदूर के गाने से बेहद खुश सीएम ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा, ठीक है। 25 मई से बिहार के कुछ हिस्सों में असर दिखाएगा एम्फान। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हुए तेज बारिश के बाद एम्फान ने झारखंड में भी गुरुवार को दस्तक दे दी है। झारखंड के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने के बाद अब बिहार में भी इसके प्रभाव के दिखने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में उत्तर पूर्व में इसका असर 25 मई तक दिखाई देने की संभावना है, जिसके तहत पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। लालू यादव, राबड़ी देवी ने 15 साल के नीतीश शासन पर कसा तंज। राज्य सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में बीते दिन दोनों दंपतियों ने नीतीश शासन पर टिप्पणी करते हुए एक बार फिर से तंज कसा है, जिसके तहत लालू ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक कार्टून शेयर किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काटते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, पलटू पलटू के गले में अब 15 वर्षों का ढोल पड़ा है, जरा जोर जोर से पीटो और अपनी उपलब्धियां गिनवाओ। पलायन, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और मुजफ्फरपुर मामला, AES, बाढ़, जल जमाव जैसी इनकी अनेक उपलब्धियां हैं। वहीं राबड़ी देवी ने इस साल बारिश में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भागने के लिए तैयार रहने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों को पहले से ज्यादा पैसे देने का जारी किया ऐलान। कोविड-19 के माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने अपने सभी विभागों में काम करने वाले श्रमिकों को पहले से ज्यादा मजदूरी देने का निर्णय लिया है। श्रमिकों की मजदूरी में कम से कम 10 रुपए रोजाना का इजाफा हो गया है। आपको बता दें, सरकार ने जिन कामगारों की मजदूरी में इजाफा किया है उनमें अतिकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, मार्कर, टर्नर, फिटर ग्रेड 1, मैकेनिक ग्रेड, फोरमैन वेल्डर ग्रेड, ट्रैक्टर और डंपर चालक, कंक्रीट मिक्सर 1, ड्रैगलाइन ऑपरेटर और जूनियर फॉरमैन स्तर के कामगारों का नाम शामिल है। बंद में 2 महीने गांव में बिताने के बाद आखिरकार रतन राजपूत लौटी अपने घर। कोविड-19 के कारण बंद के ऐलान के बाद टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत बिहार के किसी गांव में फंस गई थी, जिसके बाद पिछले 2 महीने से वहीं पर किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। हालांकि अब वह अपने घर वापस जा रही है। इसका मतलब है कि उनके फैंस को उनके गांव की वीडियोस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रतन राजपूत हर दिन अपने गांव से अपना एक वीडियो जारी करती थी। खबरों की माने तो रतन राजपूत ने आखिरी डिनर 21 मई को बनाया था, जिसके तहत उन्होंने लिट्टी चोखा बनाया था, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर भी किया था, जो कि उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आया था। कोविड-19 की वजह से प्रदेश में 12वें व्यक्ति की गई जान। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन PMCH प्रबंधन की ओर से पुष्टि की गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड-19 की वजह से 12वें व्यक्ति की जान चली गई है। जारी किए गए जानकारी के अनुसार जान गंवाने वाला व्यक्ति सारण जिले का रहने वाला था, जिसका इलाज पटना में चल रहा था, कुछ दिनों पहले ही नोएडा से लौटा था। हालांकि इस व्यक्ति में कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर उसके जान गंवाने के बाद सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी श्रमिकों का खाता खुलवाने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रवासियों की मदद में लगातार लगे हुए हैं। कभी प्रवासियों को मुफ्त में भोजन मुहैया करवाने का आदेश जारी करते हैं, तो कभी उनके खाते में पैसे भेजने के लिए बैंक खाता खुलवाने पर जोर देते हैं। इसके तहत उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रवासी श्रमिकों का जल्द से जल्द बैंक खाता खुलवाए जाने का आदेश जारी किया है। साथ ही सभी प्रवासियों का आधार और राशन कार्ड भी जल्द से जल्द बनवाने की अपील की गई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सभी को बिहार में ही रोजगार दे, किसी प्रवासी को कोई भी
परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, बीते दिन मजदूरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मजदूरों और कामगारों को बिहार में रहकर ही काम करने की अपील की थी। केंद्र सरकार ने बिहार को कोविड 19 के इस माहौल में दी 11,774 करोड़ की मदद, जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार ने बिहार के गरीबों की मदद के लिए 11,774 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिसमें से 5,719 करोड़ डीबीडी के जरिए सीधे उनके खाते में और 6,024 करोड़ मूल्य के खाद्यान्न का वितरण किया गया है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लेते हुए यह सवाल किया है कि कांग्रेस और राजद पार्टी बताए कि क्या उनके समय में भी बाढ़ जैसी समस्याओं के समय आम नागरिकों की मदद के लिए सरकार सामने आती थी या नहीं। जदयू मंत्री नीरज कुमार ने लालू यादव को दी चुनौती। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर तंज कसा था, जिसके बाद बिहार में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है, जिसके तहत जदयू मंत्री नीरज कुमार ने लालू यादव को मानसिक तौर पर बीमार बताया है और कहा है कि लालू यादव मानसिक तनाव से जूझ रहे। मेरी खुली चुनौती है कि हिम्मत हो तो तारीख समय खुद तय करें और परिवार सहित खुली बहस को तैयार हो जाए। आपके 15 साल हमारे 15 साल की विवेचना को हम तैयार बैठे हैं। अनुमति प्राप्त कर आएंगे होटवार में आपसे मिलने। तेजस्वी यादव ने बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज देने की मांग एक बार फिर उठाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर टिप्पणी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से बिहार सरकार को विशेष राज्य की मांग को याद दिलाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के इस दौर में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, साथ ही एक विशेष वित्तीय और चिकित्सा पैकेज की भी बिहार में फिलहाल सख्त जरूरत है, जिसके तहत उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार भी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में विपक्ष की मांग पर केंद्र सरकार को जल्द ही राजी करेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव का यह मानना है कि कोविड 19 के इस माहौल में करोड़ों गरीबों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अफसरों पर सख्ती से पेश आने की अपील। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बिहार के अफसर शाही पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए अधिकारियों द्वारा गरीबों को परेशान करने की बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार जी, आप और आपकी पार्टी के लोगों की शह पर बिहार के लोग कब तक परेशान होते रहेंगे। दलित महिला की शिकायत का संज्ञान लीजिए, अविलंब वेतन जारी हो और अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम भी उठाए जाए। आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन स्टेटस वाले यात्री को नहीं किया जाएगा क्वारंटाइन। 25 मई से घरेलू विमानों की सेवा शुरू होने जारी हो जाएगी। इसके लिए हवाई यात्री आशंकित है कि कहीं गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उन्हें क्वारंटाइन में तो नहीं डाल दिया जाएगा। यात्रियों के बीच इस बात को लेकर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति देखने को मिली थी। उसको दूर करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते दिन कहा है कि जिन यात्रियों में कोविड 19 के लक्षण नहीं है और आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन स्टेटस है, उन्हें क्वारंटाइन में नहीं भेजा जाएगा। वैसे लोगों को बस सेल्फ आइसोलेशन में रहने की नसीहत दी जाएगी। सुरेश रायना ने कहा, रोहित और धोनी की कप्तानी लगभग एक बराबर। भारतीय टीम के खिलाड़ी सुरेश रायना ने बीते दिन यूट्यूब पेज पर बातचीत के दौरान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को लेकर कई सारी बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने सीमित ओवरों की टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर कहा है कि रोहित का शांत स्वभाव और उनके खिलाड़ियों के प्रेरित करने की क्षमता बिल्कुल धोनी जैसी है। रोहित की कप्तानी धोनी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा है कि जो भी बल्लेबाजी करने जाएंगे तो रन बनाएंगे, ऐसा रोहित हमेशा कहते हैं। अगर ऐसा आत्मविश्वास किसी खिलाड़ी में हो तो उसकी टीम में बाकी खिलाड़ियों को भी काफी ज्यादा सीखने का मौका मिलता है, जो कि मुझे रोहित के बारे में बहुत पसंद है। जल्द ही 15 साल पुराने कार, बस और ट्रक की आवाजाही पर लग सकता है प्रतिबंध। सरकार ने ऑटो उद्योग को वापस से पटरी पर लाने के लिए कुछ अहम बदलाव करने का फैसला जारी किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैप नीति लाने की तैयारी की है, जिससे कि अब 15 साल पुराने पेट्रोल वाले वाहन, वहीं 10 साल पुराने डीजल वाले वाहनों का परिचालन बंद किया जाएगा। खबरों की माने तो इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। जल्द ही सरकार इस नीति की घोषणा भी कर देगी, जिससे कि ऑटो सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पहुंचा 132वें स्थान पर। भारत की टेलीकॉम कंपनियां इंटरनेट स्पीड के मामले में पिछड़ती जा रही है। ओकला स्पीड टेस्ट के अप्रैल 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत में मोबाइल ब्रॉडबैंड की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 9.81 एमबीपीएस और औसत अपलोड स्पीड 3.98 एमबीपीएस की रही है, जो कि पाकिस्तान और नेपाल से भी कम है। हर साल ओकला द्वारा मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड को लेकर जारी किए जा रहे 139 देशों की लिस्ट में भारत 132वें स्थान पर है। वहीं ओकला द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 88.01 एमबीपीएस के साथ दक्षिण कोरिया सबसे पहले पायदान पर है, जिसके बाद कतर, चीन, यूएई और नीदरलैंड का नाम शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है हरि किशोर, कविता रानी, भीमदेव पोदार, शत्रुघ्न कुमार, मुन्ना कुमार, कृष्णा पासवान, कुंदन कुमार, रोशन कुमार, अमलेश कुमार, रंजीत
राज, सोनू वर्मा, नीतीश कुमार, रिंकू कुमारी, अरुण कुमार, आलम खान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की तेजस्वी यादव की मांग कितनी सही है कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।